लिए नहीं है साहब, जो कमाया हुआ पैसा था मेरा खत्म हो चुका है और अब हम खाने के लिए नहीं है। मेरे रोटी के बिना मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, घर में तड़प रहे हैं भूखे भूखे, इसलिए हम रोटी उतर गए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद लोनी क्षेत्र वासियों की खाना राशन न मिल पाने की समस्या को लेकर हमारे संवाददाता सोनू कुमार जी। जी सोनू कुमार जी, क्या समस्या है उनकी? यहाँ पे जब से खाना शुरू हुआ ना तो इनको खाना मिल पा रहा है, तो ये बंदे बहुत परेशान हैं। इनको घर घर जाके देखा है, कोई 7 मेंबर हैं, कोई 6 मेंबर हैं, घर के बच्चे हैं छोटे छोटे जी। खाना इनो के एक बार भी नहीं पहुंचा, जब से खाना शुरू हुआ है एक बार भी खाना इनो के पास नहीं पहुंचा है। ये कहाँ जाए, बहुत परेशान है, कॉलोनी में आए हैं, पास ही खड़े हैं सारे। मैं तो बाहर हूँ, ये इनसे एक बार बात करवाइए। लो बात करो जी। जी जी, कहाँ से हैं आप और कहाँ पे इस टाइम? हम अभी ये गड्ढे में पुलिस चौकी के पास में हैं। मैं कौन सी चौकी है ये? हाँ जी, कौन सी चौकी के बारे में बात कर रहे हैं आप? कौन सी चौकी के पास हैं आप? टीला चौकी, सेवाधाम के पास टीला चौकी जो है वहाँ पर हम लोग खड़े हैं जी। जी जी जी, तो अब क्या परेशानी आ रही है आपको? खाना आपको नहीं मिल पा रहा, वितरण नहीं, आप खाना नहीं व्यवस्था नहीं कर पा रहे अपनी? हाँ जी, सुनिए, अभी तक जो मेरे पास पैसा था वो हमने खा लिया जी जी। अब हमारे पास में एक टाइम रोटी का व्यवस्था नहीं है, मेरे बच्चे घर पर भूखे तड़प रहे हैं जी जी। कोई हमारे पास पूछने वाला नहीं है कि आपके पास में क्या दिखना, आज तक गए हैं और अभी तक पैसा जो था हमने खा के राशन मेरा खत्म हो चुका जी जी। अब हमारे पास एक टाइम रोटी की व्यवस्था मेरे पास में नहीं है जी। 25 से 30 जने खड़े हैं, देखो केले केले की परेशानी देखो। बहुत परेशान हम लोग, बहुत परेशान है, यहाँ पे बैठे हैं। सोने जी, आप उनसे ही बात करने दें, हमें एक बार उनसे ही बात करवाएं। हमारे घर में 6 जने खाने वाले हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, अब जब से घर से बैठे हैं कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे हम बताओ। तो वहाँ ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे सुबह शाम खाना मिल रहा है, रसोई गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ मुहैया करवाई गई है, क्या वहाँ पे उनमें खाना नहीं है? डंडा मिल रहा है, डंडा कुछ नहीं है जी, डंडे लगभग मिल रहा है जी, अब कुछ डंडे के बाद कुछ हमें नहीं मिल रहा खाने के लिए, डंडे कुछ नहीं मिल रहा जी, नहीं मिल रहा है। हमारी कॉलोनी में कोई आता नहीं, आते नहीं है, वो आज तक नहीं देखने के लिए ना, कोई पूछने के लिए आया, क्या क्या दिक्कत आपको, क्या परेशानी, कोई पूछने वाला नहीं हम लोग को है जी। कौन ये लोनी में कौन सा क्षेत्र पड़ता है आपका? लोनी में पड़ता है ये अमित बिहार है जी, अमित बिहार है जी, अमित बिहार नंबर 2 नंबर 12। एक जना बात करिए क्योंकि आवाज जो है आपकी वो क्लियर नहीं आ रही, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन सा क्षेत्र पड़ता है आप पे जहाँ पर खाना की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? वो अमित बिहार में है, गली नंबर 2 में है, वो पड़ता है वार्ड नंबर 23 गली नंबर 2। कितने लोग हैं वहाँ पर इस टाइम? वहाँ पर आदमी तो पूरा गली मकान ही मकान है जी, तो आदमी तो जितना आदमी यहाँ आया, ऐसी गली है 4-5-6 गली है जिसमें क्या आज तक किसी को रोटी एक भी मिला ही नहीं आज तक जी। तो सब जो जितने भी लोग यहाँ, कितने लोग खड़े हैं तकरीबन वहाँ पर? हमें करीब 30 आदमी है जी, करीब 30 आदमी है जो मतलब असमर्थ है खाने की व्यवस्था करने में, राशन की व्यवस्था करने में। घर का एक एक मेंबर आया हूँ जी। चलिए, आपकी बात जो है यहाँ पर जो स्थानीय जो आपके जो विधायक हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, यहाँ के जो SDM है, लोनी SDM है खालिद अंजू जी, उन तक आपकी बात पहुँचाएंगे और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।